खबर आ रही जनपद बहराइच से। बहराइच मृतक किसान की पत्नी बोली कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अपने पति का दह संस्कार नहीं करेंगे। जी हाँ, बहराइच से ब्रेकिंग न्यूज। बंजारा टाणा के मृतक किसान के परिवार वालों से मिलने जा रहे पूर्व सांसद बहराइच सावित्री बाई फुले की हुई पुलिस से नोकझोंक, और सूत्रों से मिली जानकारी की थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं किसान नेता राकेश टिकैत मदेरा मोरनिया में। और वहीं पर पहुंचे मृतक के घर डीएम और एसपी पहुंचे। मृतक के घर के परिजनों से बातचीत चल रही है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि गुरेंद्र सिंह को गोली लगी है, और घर के परिजनों का कहना है कि शिव को फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए। क्यों दाह संस्कार अभी तक नहीं हुआ, क्या कारण? नहीं, हमको बताएंगे वो। नहीं, आपका क्या कहना है, आप दाह संस्कार क्यों नहीं? कोई पता नहीं। पीएम रिपोर्ट कोई मांगे हैं सरकार से अभी आपकी, आधी अधूरी मांगे हैं? रिपोर्ट हमको मिले तब हम। कैसी रिपोर्ट मिले आपको? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी तब आप दाह संस्कार कराएंगे। हमसे वार्ता नहीं हुई तो हम कैसे कह देंगे आ रहे हैं? वर्मा जी, एक बड़ा सवाल, यहाँ पर अभी जब हम लोग पहुँचे, हम लोग आपको काफ़ी समय से कवर करते रहे हैं, यहाँ पर एक आक्रोश देखने को मिला कि फला चलन के लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये लोग गलत तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के रिपोर्टर हैं या चैनल जो हैं वो आपकी बात को नहीं चलाते हैं या आपकी बात को इग्नोर करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें, जो सरकार से लिप्त मीडिया है उसकी मैं बात नहीं करूँगा। बाकी तो अगर मीडिया नहीं ख़त्म हो जाएगी तो देश ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी आपकी बात आप ही लोग पहुँचाते हैं और ऊंचे तक हमारी बात जाती है। ऐसा हम कतई नहीं कहेंगे, हम सबको नहीं बदनाम कर सकते हैं। जो सरकार से मिली हुई मीडिया है और सरकार के एजेंट लोग हैं वो हम मानते हैं कि वो उनके पक्ष की बात करें। हम कल आए, कल हमने सरदार गुरविंदर सिंह के परिवार का इमोशन भी हमने शूट किया, किस तरीके से लोग परेशान थे। हमने दलजीत सिंह के परिवार के लोगों की बात भी ऊपर पहुँचाई, उनके बेटे राजदीप की बात करी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ तरह तरह की बात एक खास चैनल को टारगेट करके की जा रही थी। आप इसको कितना उचित मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आपको बताते हैं, होता यह है कि जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो इसमें बहुत सी बातें, जो चैनल जो सरकार से मिली हुए चैनल हैं, जो उनके मोदी और मोदी चैनल हैं, ये सब जो है मोदी मीडिया जो कही जा रही है, वो चैनल जो साफ बात नहीं करते हैं, इस बात को लेकर के लोग नाराज़ रहे होंगे। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि आप लोग गलत करेंगे, आप लोग भी किसान के बेटे हैं, ऐसा हम नहीं मानेंगे। क्या बात, आप लोग यहाँ आए हुए हैं सरदार गुरविंदर सिंह के अंतिम संस्कार में, किस बात को लेकर के डिले हो रहा है, देरी किस बात की? नहीं, अभी हम लोग जब पहुँचे वहाँ तो इस बात की चर्चा की गई, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार अभी आ रहे हैं तो उनको आगे कहीं रोक लिया गया था सीता उत्तरपुर के पास, तो कहें बस वो आ जाएं, फिर उसके बाद मिट्टी जो है तत्काल कराई जाएगी। नहीं, ये जो बात आ रही है, जो कि आप किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, कि पोस्टमार्टम में लापरवाही बरती गई है, इनको गोली लगी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं है, इसको लेकर के क्या बात है? नहीं नहीं, हम तो पीएम रिपोर्ट अभी देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसके साथ अगर गलत किया जाएगा तो बहुत बड़ा अन्याय है और हम लोग फिर इसको नहीं सहेंगे। नहीं, क्या इस बात में है सच्चाई कि इसको लेकर के ही पीएम रिपोर्ट की सच्चाई सामने? अभी इस पर हमने चर्चा किया, इस पर कोई चर्चा नहीं किया, न इस पर हमको कोई बात। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं? नहीं, हमको भी नहीं पता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमसे वार्ता नहीं हुई तो हम कैसे कह देंगे आ रहे हैं। वर्मा जी, एक बड़ा सवाल, यहाँ पर अभी जब हम लोग पहुँचे, हम लोग आपको काफ़ी समय से कवर करते रहे हैं, यहाँ पर एक आक्रोश देखने को मिला कि फला चलन के लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये लोग गलत तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के रिपोर्टर हैं या चैनल जो हैं वो आपकी बात को नहीं चलाते हैं या आपकी बात को इग्नोर करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें, जो सरकार से लिप्त मीडिया है उसकी मैं बात नहीं करूँगा। बाकी तो अगर मीडिया नहीं ख़त्म हो जाएगी तो देश ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी आपकी बात आप ही लोग पहुँचाते हैं और ऊंचे तक हमारी बात जाती है, ऐसा हम कतई नहीं कहेंगे। जो गोली से हाथ पकड़ के मारी गई वो चीज़ दिखाए ना, हमको झूठ बोलने से क्यों लौटेगा? मांग हमारी ये है कि उसकी पोस्टमार्टम फिर से चाहे दिल्ली हो या पंजाब में, पीएम रिपोर्ट सही, पीएम रिपोर्ट सही आना चाहिए, सही आना चाहिए। हमारा मृतक गुरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह हम उनके मित्र हैं, हमारे बिरादर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उसके लिए। थैंक यू।
उनके आवास पर हैं, अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, अभी तक के क्यों अंतिम संस्कार नहीं? ना कुछ जो है अभी इसमें बीच में डिस्प्यूट का मामला फंसा हुआ है, हमारे जो पदाधिकारी आए हुए हैं लखनऊ से वो वार्ता चल रही है, उसके अभी डिसीजन लिया जा रहा है क्या होगा। और मैडम जी आई हैं, कप्तान साहब और डीएम साहब आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो आप चाहें वो फिर से दोबारा जो है आपको हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मांग यह है कि किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का अभी तो कोई क्लियर नहीं है, क्लियर ये है क्लियर का पोस्ट मार्टम का रिपोर्ट फिर से कराया जाए, दिल्ली कराया जाए, पंजाब यू के बीच नहीं होगा। जो पोस्ट मार्टम का रिपोर्ट रहेगा किस लिए पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ेगी? जो कोहली का निशान सीध का कोहली का निशान सिद्ध पे आएगा, जो मारी गई गोली उसको दिखा रहा है कि घसीट के खून बहने से ब्लड बहने से मौत हो गई है, लेकिन उसको जो ओरिजिनल चीज हुई है वो चीज़ दिखाएं कि इसकी गोली से मारी गई है। कहाँ आ चुकी है, लेकिन लोगों का कहना है जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी उसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। की जा रही है उनकी जो भी मांगे हैं चाहे तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा किया जाए और फिर जल्द ही समाप्त हो गया। कहना है कि गोली लगी है उनके यहाँ लेकिन लाठी डंडे का इसमें दिखाया गया है। जब भीड़ इकट्ठा होती है, मॉब इकट्ठा होती है तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके की बातें करता है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो साफ होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में पीएम हुआ है तो उसकी रिपोर्ट है, अभी पीएम रिपोर्ट मंगाई गई है और अतिशीघ्र सामने किया जाएगा, उसको देखा जाएगा।